Hello students, welcome to the Dakshana classroom. If log v base a 2, log c base b 2, log c base 3, 3 plus this, then a plus b plus c equals 2. Okay, so aapko kya kya de rakha hai? Log b to the base a is equal to 2 and log c to the base b is equal to 2 aur ye ek relation hai yahan par ki log c to the base 3 is equal to 3 plus log a base to the 3. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, c base 3, 3 को लिखा log 9 base 3, तो log base 3 ये कितना हो जाएगा, 9 है, sorry 9 है, 27 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो 3 power 3, 27, तो log base 3, 27 into a. तो यहाँ से देखो base same है, तो c कितना आ गया, 27a. C आपके पास आ गया 27a. ओके, और फिर अब इस रिजल्ट से इससे हम log b कितना आ जाएगा, a पावर 2, और यहां से c कितना आ जाएगा, b स्क्वायर. ओके, और a और c में ये रिलेशन हमें पता है. b की वैल्यू मैंने यहां उठा के रख दी, b की वैल्यू यहां उठा के रख दी यहां से. ठीक है, तो c कितना हो जाएगा, b कितना है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर. ओके, तो c आ गया a पावर 4, तो ये वैल्यू यहां रख दी, तो a पावर 4 इज इक्वल टू 27a, तो a क्यूब आ गया 27. क्यों? क्योंकि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. a 0 हमें चेक करना पड़ेगा, बट a 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बेस है, बेस कभी जीरो नहीं हो सकती. तो ऐसे ऐसे नहीं किया कि हमने सीधा कैंसिल कर दिया, ए हमें चेक करना पड़ेगा. यदि ए जीरो एक्सेप्टेबल होता ओरिजिनल इक्वेशन में तो आंसर होता वो. ठीक है, बट जीरो नहीं है. ओके, तो ध्यान रखना ऐसे हम कैंसिल नहीं करते कभी भी, कॉमन लेके जीरो करके फिर देखना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना आ गया, 3. ठीक है, ए 3 आ गया, तो सी यहाँ से देख सकते हो आप, a 3 आ गया, तो c आ गया 27 into 3, that is 81, और फिर b बचा, तो b कहीं से भी, यह b है a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इन सब का सम हो गया 90 plus 3, 93. ओके, okay?